जय हिंद एवरीवन। अगर आप अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो तो पूरा वीडियो जरूर देखना। अग्निवीर भर्ती को लेकर ज्वाइन इंडियन आर्मी के ऑफिशियल वेबसाइट पर कुछ नोटिफिकेशन डाला गया है। मैं आप लोगों को पूरा का पूरा नोटिफिकेशन पढ़ के दिखा रहा हूँ और ये आप लोगों को सोचने पर मजबूर कर देगा। यहाँ पर लिखा गया है अग्निवीर भर्ती रैली कोट द्वार, ये कोट द्वार उत्तराखंड में पड़ता है। बोला जा रहा है कि 1 से 6 सितम्बर 2023 तक खराब मौसम के कारण कोट द्वार में दिनांक 1 से 10 सितम्बर 2023 तक आयोजित की जाने वाली अग्निवीर भर्ती रैली को स्थगित कर दिया, मतलब बंद कर दिया गया है। और बोला जा रहा है कि दिनांक 26 नवंबर से 1 दिसंबर 2023 तक आयोजित की जाएगी। मतलब सितंबर में ये भर्ती कराई जाने वाली थी, सितंबर में इसका दौड़ कराया जाने वाला था, लेकिन खराब मौसम के कारण, बारिश के कारण उस भर्ती को बंद कर दिया गया, मतलब पोस्टपोन कर दिया गया। और अब ये भर्ती सीधे नवंबर से दिसंबर के बीच में कराई जाएगी। मतलब सितंबर में होने वाली थी, अब अक्टूबर भी समाप्त हो गया, अब नवंबर से दिसंबर के बीच में ये भर्ती कराई जाएगी। इतना ज्यादा दिन का गैप कर दिया गया है। यहाँ पर लिखा गया कि अधिक जानकारी हेतु हेल्पलाइन मोबाइल नंबर, मतलब जैसे फोन करके आप लोग पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को यही बताना चाहता हूँ, जितने लोग भी अग्निवीर की तैयारी कर रहे हो ना, ये फिक्स नहीं है कि जिस महीने में जितने तारीख को आपका दौड़ होने के लिए बोला गया है उस महीने में उतने तारीख को ही आपका दौड़ कराया जाएगा। आप लोग देख रहे हो अभी उत्तर प्रदेश में ये जो सहारनपुर में अग्निवीर की भर्ती चल रही है ना, वो मतलब सिंथेटिक के ग्राउंड पर भर्ती चल रही है। चाहे बारिश हो चाहे कुछ भी हो, यहाँ का भर्ती नहीं रुका है, लेकिन उत्तराखंड की भर्ती रोक दी गई है। तो आने वाले समय में आप किसी भी एआरओ से हो, आपका जो अग्निवीर भर्ती का डेट दिया गया ना, उस डेट को आगे पीछे घटाया बढ़ाया भी जा सकता है। अब जो लोग भर्ती कराने वाले हैं वो लोग ये नहीं सोचेंगे ना कि आप दौड़ रहे हो, दौड़ने में खर्चा पानी लगता है, डाइट लगता है, काफी ज्यादा पैसा नुकसान कर रहे हो और एक ही भर्ती पर पूरा का पूरा उम्मीद लगाए बैठे हो, वो लोग ये नहीं सोच रहे हैं। ये हमारे लिए बैड न्यूज है यार। हमारा इंडियन आर्मी का भर्ती जनवरी में होने वाला था, 2 जनवरी से 12 जनवरी के बीच में हमारा दौड़ होने वाला था, लेकिन अब हमको ऐसा लग रहा है कि उस डेट को आगे पीछे घटाया बढ़ाया जा सकता है। अब पता नहीं आगे क्या होने वाला है, इसलिए मैं आप सभी लोगों से एक ही बात कहूंगा, जब तक हम लोग का एडमिट कार्ड नहीं निकल जाएगा ना, तब तक अपना हाथ पैर खराब नहीं कर लेना। क्योंकि बहुत सारे लड़के ये टारगेट में लेकर बैठे हैं कि जब हमारी भर्ती का डेट नजदीक आ जाएगा, मतलब एक महीना पहले से हम बहुत बेहतरीन तरीके से दौड़ने लगेंगे। तो हमारी भर्ती का डेट नजदीक आ रहा है और लोग ग्राउंड में दौड़ने जा रहे होंगे। अभी मैं अपने गाँव में नहीं हूँ, लेकिन गाँव वाले लड़के पूरा अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, डाइट वाइट ले रहे होंगे, लेकिन पता नहीं जब हम लोग का भर्ती नजदीक आए ऐसा बोल दिया जाए कि 2 महीना बाद भर्ती कराया जाएगा, किसी वजह से हमारी भर्ती को पोस्टपोन भी कराई जा सकती है, ठीक है ना। इसीलिए जब तक एडमिट कार्ड ना निकल जाए तब तक भाई कुछ भी हो सकता है, ठीक है ना। चलो ठीक है, जो भी न्यूज़ था मैं आप लोगों को बता दिया हूँ। ये न्यूज़ उत्तराखंड के कोट द्वार का न्यूज़ था, लेकिन आने वाले समय में जितने भी यारों का भर्ती बचा है ना, उन सभी भर्तियों के अंदर ऐसा देखने को मिल सकता है। तो अपने हिसाब से तैयारी करते रहो, ठीक है ना। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।